हेलो एवरीवन, मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सब सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो प्यार दोस्तों, अपन ने यहाँ पर ऑन्कोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। पहले इंट्रोडक्शन अपन ने फिनिश कर दिया, उसके बाद में क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रेडिंग और स्टेजेस अपन ने पढ़ लिया, और अदर क्लासिफिकेशन बिनाइन और यहाँ पर मेलिग्नेंट ट्यूमर उसके बारे में पढ़ लिया, ट्यूमर मार्कर सारे पढ़ लिए, ठीक है। और इसके जो साइन थे ना, क्वेश्चन साइन मतलब आपके क्वेश्चन जो साइन थे कैंसर के, वो भी अपन ने अच्छे से लर्न कर लिए, और जो भी स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए होता है अलग अलग मैंने बताए थे, वो सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए। अब जो आगे हमारा टॉपिक आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो आज का टॉपिक रहने वाला है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो एक तो ट्यूमर मार्कर थे और ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक टेस्ट बना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हुआ, ये होता है महिलाएं स्वयं करती है। लेकिन अगर मान लो ये क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है, तब आप इसके अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो करते हैं ना, उसमें ही क्लिनिकल बेस्ड भी होता है। तो क्लिनिकल बेस्ड में हेल्थ वर्कर करेगा, इतना सा फ़र्क है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है। और मेल की बात करें तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है। और ये दोनों ही सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होता है ना, उसका पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है? डायग्नोसिस है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई? तो पार्ट 3 एपिसोड नंबर 287 आज अपन कैरी ऑन करेंगे ऑन्कोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर से अपन यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लर्न करेंगे, जो कि CHO पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो का शेयर या लिंक है वो पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी अपना सपनों को साकार कर सके। तो बिना किसी डिले, बिना किसी इंतज़ार के, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं कि बर्फ़ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है, थोड़ा और जोर लगा, कोशिश कर, हिम्मत कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब देखो BSE है ना, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन का यहाँ पर हिस्सा है ये। तो ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ना, ये किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का ये क्या होता है? पार्ट होता है। इतनी सी बात समझ में आई? नेक्स्ट बात इसके अंदर मैं बताऊं आपको, तो ये कब करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो मेनोपॉज के बाद में कब करते हैं? मेनोपॉज का मतलब समझ रहे हो कि जब MC बंद हो गई आपकी, बिल्कुल आती ही नहीं है, तब आपको कब करना चाहिए यह ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी दिन हर महीने करना है। मतलब जैसा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख है, ठीक है, तो प्रत्येक महीने की 7 तारीख को आपको ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। लेकिन अगर मेनार्की आ रहा है, ठीक है, मतलब मेनार्की है, मेनार्की का मतलब आपके है, मेनार्की स्टार्ट हो चुका है, मतलब MC आती है रेगुलर, तो आपको क्या करना है? इसके बाद में करना है, इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होएगा तो आपके यहाँ पे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, तो इस दौरान आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आगे वन बाय वन करके अपन चीज़ें पढ़ते जाएंगे और एक एक चीज़ें सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं कि ये जो होता है ना, इसकी स्टार्टिंग कब होती है? सबसे पहली यहाँ पे लाइन और पहला ही MCQ बनता है CHO 2025 का MCQ, कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो अपन को एन ऑप्शन बिगिनिंग एट द एज ऑफ 20 साल की एज में इसको स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को। क्यों? अब देखना, ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस लिए करते हैं अपन, किसका पता लगाते हैं? ब्रेस्ट सीए का मतलब ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। अब ये ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन जो साइट होते हैं ना, ये मान लो आपका ब्रेस्ट है, ठीक है, ये कौन सा है? ये आपका लेफ्ट वाला है, ठीक है, मान लो ये लेफ्ट वाला है, मैं दोनों ही बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला राइट वाला, ये वाला लेफ्ट वाला। अब देखना, ये राइट और ये लेफ्ट, इसके इस प्रकार से अपन को क्या करना है? भाग करना है अलग अलग, ठीक है, इमेजिन करके, है ना। तो अब देखना, ये अपर पार्ट है ना, अपर, ये अपर पार्ट और ये आउटर पार्ट,
ये इस पार्ट में अपर एंड आउटर पार्ट में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट सीए होने के चांस रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे रहते हैं? अपर एंड आउटर पार्ट में। ठीक इसी प्रकार से अगर आप राइट में भी काउंट करोगे, ये वाला अपर एंड आउटर, अपर का मतलब ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और आउटर यानी बाहर की तरफ वाला पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांस रहते हैं कैंसर होने के, पहली बात। और ये कब रहते हैं? 20 साल के बाद में, ये 20 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 20 साल के बाद में ये हो सकता है कभी भी। नेक्स्ट यहाँ पे अगली लाइन में लिखा है कि अर्ली डिटेक्शन मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। मंथली अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो तो इसका अर्ली डिटेक्शन अपन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक महीने में इतनी भारी भरकम बीमारी, मतलब जो बीमारी है वो एक महीने में है, अगर मंथली आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो एक महीना कोई बड़ी बात नहीं होती कि एक महीने में बहुत ऊपर लेवल तक चली जाएगी ये बीमारी, नहीं जाएगी, ठीक है। एक महीना बहुत छोटा टाइम होता है, तो एक महीने में आप अर्ली डिटेक्शन इसका कर सकते हो। नेक्स्ट है परफॉर्म मंथली 7 to 10 डेज आफ्टर मेंसेस। मैंने क्या बताया अभी कि मेंसेस के बाद में करना आपको, तो 1 से 5 दिन तक तो आपके चलेगा मेंसेस। अब मेंसेस जब बंद हो गया तो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो है वो नीचे आने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, तो कम होंगे तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, ये करना है। और ये 7 से 10 डे का यहाँ पे टाइम दे रखा है, 7 से 10 डे, यानी 7वें दिन से लेकर आप 10वें दिन के बीच में ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन डन कर सकते हो, ठीक है। 1 से 5 दिन तक तो क्या चलता है, मेंसेस चलता है, उसके बीच में आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर मान लो कोई वुमन है वो मेनोपॉज है, मतलब उसके मेनार्की नहीं आ रही है, बंद है, तो उसको कब करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? तो उसको हर उसकी मंथली करना चाहिए। और मंथली कौन सी तारीख? आपकी बर्थडे डेट याद रख लेना कि मान लो 7 तारीख आपकी बर्थडे है, तो 7 तारीख को आपको एवरी मंथ आपको क्या करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन डन करना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पाल्पेशन इज डन बाई स्टारिंग एट द सेंटर गोइंग टू पेरिफ्री एंड सर्कुलर मोशन। अब ध्यान रखना कि ये आपका ब्रेस्ट है, ठीक है। अब ये एग्जामिनेशन आपको कैसे करना है? एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपको फिंगर टिप का यूज़ नहीं करना है, फिंगर टिप का यूज़ नहीं करना, सिर्फ फिंगर का यूज़ करना है, ठीक है। फिंगर का यूज़ करना, टिप का यूज़ नहीं करना, ऐसे टिप से पालपेट नहीं करना, पूरे फिंगर से पालपेट करना, पूरे पाम से पालपेट करना, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इसको आप सर्कुलर मोशन में चेक करोगे, सर्कुलर मोशन का मतलब पूरे गोल गोल घुमाओगे, ठीक है। फिर ये सेंटर से पेरीफ्री होगा, ये सेंटर टू पेरीफ्री, ये सेंटर है, अब यहाँ से आप चेक करते 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 बाहर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको चेक करना है, याद है। वुंड के लिए भी मैंने बताया था सेंटर टू पेरीफ्री, और एक बताया था पेरीफ्री टू सेंटर, ठीक है। अब सेंटर टू पेरीफ्री कब करते हैं? तो सेंटर टू पेरीफ्री तब करते हैं जब फ्रेश वुंड हो, क्या हो, फ्रेश वुंड हो, ठीक है। फ्रेश वुंड हो तो सेंटर टू पेरीफेरी, और अगर मान लो फ्रेश वुंड नहीं हो, ठीक है, फ्रेश वुंड नहीं हो, कोई घाव पूरा ना हो, तो पेरीफेरी टू सेंटर पर आना है, क्योंकि हाई का लो कंटामिनेटेड एरिया टू हाई में जाना है अपन को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पोस्ट मेनोपोजल क्लाइंट है, ये जो मैंने अभी बताया था आपको वही चीज़ है कि पोस्ट मेनोपोजल का मतलब वही होता है कि जिसके मेंसेस बंद हो चुके हैं, ठीक है, वो क्लाइंट, और क्लाइंट हु हैव हैड ए हिस्टरेक्टमी, और जिसकी हिस्टरेक्टमी हो चुकी है, हिस्टरेक्टमी का मतलब यूट्रस को रिमूव कर लिया है, मतलब सीधी सी बात है जिसके यूट्रस ही नहीं है तो मेंसेस वगैरह आते ही नहीं है, तो उनके कब करना चाहिए, ठीक है। तो शुड सेलेक्ट ए स्पेसिफिक डे ऑफ मंथ एंड परफॉर्म बीएससी मंथली ऑन द डेट। मतलब सिंपल सी बात है कि उनको ऐसा दिन सेलेक्ट करना चाहिए जो एक स्पेसिफिक दिन हो, मतलब कुल मिला के आपके बर्थडे डेट याद कर लो, या कोई भी एक तारीख याद कर लो, कुल मिला के 15 तारीख याद कर लो, 26 तारीख याद कर लो, कुछ भी है, तो वो याद करके उसी दिन आपको हर महीने की उसी तारीख को आपको याद मतलब करना है। 31 तारीख मत याद कर लेना, 31 तारीख, क्योंकि 31 तारीख बहुत सारे ऐसे महीने होते आते ही नहीं है, तो 31 तारीख को आप करोगे, फिर अगले महीने में 31 नहीं आई, तो फिर अगले महीने में, तो फिर 2 महीने में करोगे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, 1 से 30 के बीच में कर सकते हो, और फरवरी महीना आ रहा है तो उसका भी ध्यान रखें थोड़ा, वो भी 28 का ही होता है, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखें। सबसे बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ 10 से 15 तारीख है, कुछ भी है, 20 तारीख है, ऐसा कुछ भी याद कर लो, ठीक है, पहले पहले वाली, तो हर महीने में आती है।
ठीक है। और उसी दिन आपको क्या करना है, हर महीने आपको ये चेक करना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, जो हिस्टेरेक्टोमी वुमन है, उनके लिए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, मैं हटा देता हूँ ये ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का की जो स्टार्टिंग है वो कब होती है, 20 साल की एज से, ठीक है। 20 साल की एज से इसको करना अपन स्टार्ट करते हैं, और ये है मंथली करना होता है, और परफॉर्म आप अगर मेंसेस आ रहे हैं तो 7 से 10 दिन के बीच में आप कर सकते हो, 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में कर सकते हो। और सर्कुलर मोशन में आपको सेंटर टू पेरिफेरी जाना है, इस प्रकार से आपको ये एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट बात लिखी है इन्होंने हिस्टेरेक्टमी, और जो मेनोपोजल पोस्ट मेनोपोजल जो वुमन है उसको मंथली, मतलब एक स्पेसिफिक डे में ही करना है, उसके लिए 7 से 10 दिन, यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बढ़े आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ओके फाइन। नेक्स्ट हाउ टू डू ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम इन 6 स्टेप, 6 स्टेप दे रखी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, 6 स्टेप है, तो 6 स्टेप के अंदर आपको ये एग्जामिनेशन करना है। तो मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ पहले, ठीक है, समझा देता हूँ। तो अपन कुछ इस प्रकार से इसको समझेंगे, पहला यहाँ पे स्टेप ये दे रखा है ना, तो इसके अंदर क्या लिखा है नीचे, डू वंस ए मंथ ए वीक आफ्टर योर पीरियड, ठीक है। मतलब आपको एक स्पेसिफिक डे जो मैंने बताया था पहले, तो उसका ध्यान रखना है कि उसी दिन आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि इस महीने की 7 तारीख को कर रहे हो तो अगले महीने की कुछ 8-10 तारीख को कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक मतलब वही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यह है, इसमें यह लिखा है कि मेंसेस जो आ रहा है ना उसके 1 वीक बाद में करना है, मतलब 7 दिन के बाद में, 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में आप कर सकते हो। तो ये वही है, इसीलिए इस डेट का ध्यान रखना कुल मिला के, बस पहला है कैलेंडर का ध्यान रखना है। तो दूसरी बात इन्होंने क्या लिखी है कि लुक इन द मिरर फॉर एनी असिमेट्रिक्स, एसिमेट्रीज आपको क्या करना है, लुक का मतलब देखना है, इनको कहाँ पे देखना है, मिरर में, कांच में देखना है, ठीक है, दोनों को, कि दोनों की साइज बराबर है या नहीं है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, उसको विजुलाइज करना है, दूसरी स्टेप यह है। तीसरी स्टेप के अंदर आएंगे अपन, तो टच ऑल पोर्शन ऑफ योर ब्रेस्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे, और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से राइट, सर्कुलर मोशन में आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। जितनी सी बात समझ में आई, इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेक करना है, और सेंटर टू कहाँ जाना है, पेरिफेरी में जाना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा है कि स्टार्ट फीलिंग फॉर लंप एंड मैसेस, जब भी आपको फीलिंग आपको फील होने लग जाए कहीं लंप है जैसा कि ये बना हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, चेक फ्रॉम द अंडरम एरिया टू द चेस्ट वॉल एंड स्टर्नम, वो इस एरिया को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, कंडक्ट द सेल्फ स्टैंडिंग अप एंड लाइंग डाउन, और यही स्टेप आपको क्या करना है, सारी की सारी स्टेप, 5 स्टेप आपको सोते समय भी दोहरानी है, सोने के बाद। ये तो पहले स्टैंडिंग अवस्था में थी, और ये फिर लाइंग अवस्था, मतलब आप लेट रहे हो उस अवस्था में भी आपको क्या करना है, ये कि ये सारी की सारी स्टेप आपको क्या करनी है, विजुअलाइज करनी है, मतलब आपको फील करनी है। अगर वहाँ पे भी लंप वगैरह ऐसा कुछ लगता है तो जल्दी से जल्दी अपने सब सेंटर पर हुआ आपके, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से जाकर क्या करें, संपर्क करें, ठीक है। इतनी सी बात है, ये 6 के 6 स्टेप है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अब देखना स्टेप है अलग अलग मैंने दे रखा है इसके अंदर। पहला स्टेप के अंदर ये इन्होंने लिखा है कि एग्जामिन करना है आपके ब्रेस्ट को शोवर में, शोवर का मतलब आप जब भी यहाँ पे शोवर चलता है ना, उससे पानी आता है, बस उसी के नीचे आपको क्या करना है, इसका एग्जामिनेशन करना है मिरर में। फिर है एग्जामिन योर ब्रेस्ट इन द मिरर विद योर आर्म डाउन अप ऑन योर हिप्स, ठीक है, हिप्स भी आपको क्या करने हैं, अप एंड डाउन करने हैं, ठीक है, और आपके आर्म भी क्या करना है, अप एंड डाउन करना है, ठीक है, और आपको ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करना है मिरर में, ठीक है। और स्टैंड एंड प्रेस योर फिंगर, स्टैंड एंड प्रेस करना है फिंगर से,
फिंगर से करना है, टिप ऑफ द फिंगर से नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ, है ना। योर ब्रेस्ट वर्किंग अराउंड द ब्रेस्ट इन सर्कुलर डायरेक्शन, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर ये स्टेप के अंदर आती है तो वह वापस यहाँ पे लिख दी हमने। नेक्स्ट है लाई डाउन एंड रिपीट 3 स्टेप, ये तीनों ही स्टेप वापस क्या करनी है आपको, रिपीट करनी है लाई डाउन, मतलब सोते समय भी, ठीक है। फिर है स्क्वीज योर निपल, स्क्वीज करना है निपल को, ठीक है। चेक द डिस्चार्ज और चेक अंडर द निपल टेस्ट, निपल टेस्ट को यहाँ पे डिस्चार्ज को चेक करना है, और डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो उसका टेस्ट लगाना आपको, ठीक है, निपल टेस्ट करना। अब ये कुछ एग्जामिनेशन है कि मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप कैंसर एट अपर आउटर क्वाड्रेंट, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट लिखा है ना, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अपर आउटर ये क्वाड्रेंट, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांस रहते हैं। ये आपका ब्रेस्ट है मान लो, ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, और लेफ्ट वाला है तो ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, है ना। ये इसमें इस प्रकार से लिखना है आपको, देखो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से स्टेप के नीचे इस प्रकार से लगाना है आपको, है ना, एरो लगाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है मेमोग्राफी कि जो आपको दिख रही है ना मशीन, ये मेमोग्राफी मशीन है। तो मेमोग्राफी या मास्टोग्राफी दोनों ही बोल सकते हैं इसको, फॉर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेस्ट डिजीज इन वुमन, ब्रेस्ट के अंदर कोई डिजीज या ब्रेस्ट के अंदर कोई कैंसर है उसका डायग्नोसिस अपन मेमोग्राफी के द्वारा करते हैं। ये मेमोग्राफी की जा रही है, आपके सामने है मशीन सब कुछ, है ना। कुल मिला के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसके अंदर अपन काउंट करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताता है ये मेमोग्राफी। और ये है कुछ और टेस्ट है जिसके अंदर मेमोग्राम, अब ये देखो वो सेम ही है, मेमोग्राफी मेमोग्राम एक सेम ही है, और डिजिटल मेमोग्राम अलग अलग है सारे के सारे। देखो ये इस प्रकार से किया जाता है, इसके अंदर ये एक्सरे लाइक स्ट्रक्चर आती है अपन को दिख रही है जैसा कि, ठीक है, ये मेमोग्राम है मशीन है, और ये इस प्रकार से किया जाता है, ये डिजिटल है, ये नया आया है, ये सारे सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, एक बार ओके फाइन। नेक्स्ट है आपके पास में है ब्रेस्ट कैंसर कन्फर्मेटिव टेस्ट, कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है, बायोप्सी, ये सबको पता है कैंसर का जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है बायोप्सी होता है, और बायोप्सी आप कैसे भी ले सकते हो, नीडल एस्पिरेशन के द्वारा भी ले सकते हो, तो यहाँ पे यही नीडल एस्पिरेशन के द्वारा ली जा रही है बायोप्सी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, FNSC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी करना, और इसके लिए अपन ने क्या किया, नीडल से एस्पिरेट किया, किसको एस्पिरेट किया, जहाँ पे ट्यूमर वाली स्ट्रक्चर या कैंसर वाली स्ट्रक्चर बन रही है उस जगह से अपन ने नीडल से क्या लिया है, अपन ने कुछ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कुछ पार्ट लिया है वहाँ से, और इस प्रकार से स्लाइड पर लेना है अपन को और इसका टेस्ट करना है। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है, क्या, बायोप्सी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोप्सी, FNSC बायोप्सी जिसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट इट इज़ अ साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन बाय टिश्यू बायोप्सी, ठीक है, इसके अंदर टिश्यू लिया जाता है, टिश्यू बायोप्सी अपन करते हैं इसके, ठीक है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, सेल की स्टडी करते हैं इसके अंदर। इतनी सी बात समझ में आई, लिखो इसको जल्दी से। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ है आप सभी के सामने कि क्या लिखा है, MCQ अच्छे से लर्न करना है आपको एंड गिव द राइट आंसर। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द वे टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर, मतलब यह है एक प्रकार का एक तरीका है जिससे अपन ब्रेस्ट कैंसर को अर्लीएस्ट द नर्स इज कंडक्टिंग ए हेल्थ टीचिंग टू फीमेल क्लाइंट इन ए क्लिनिक, अर्ली स्टेज में अपन इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, और फीमेल क्लाइंट जो है वो क्लिनिक पर हेल्थ टीचिंग दे रही है, हेल्थ टीचिंग कंडक्टिंग कर रही है। अब ये पूछा है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन कर रही है ना क्लाइंट का, उस समय आस्क्ड टू स्टेट व्हाट दे लर्न, अब वो कुछ पूछ रही है तो उसका आंसर किस प्रकार से देंगे,
फिर लिखा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय ए क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब जिसका वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है पेशेंट का, ठीक है, वो पेशेंट पूछ रही है कि मतलब ये क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, और ये किस क्या है, मतलब एवेल्यूशन के अंतर्गत ये टीचिंग मेथड है तो ये जो फर्दर टीचिंग उसको क्या देगी नर्स, ये पूछा है। उसने पूछा है कि ये आप क्या कर रहे हो, तो नर्स ने बोला है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसने बोला है कैसे होता है, क्या है सिस्टम, क्या है इसका, तो वो फर्दर टीचिंग के रूप में नर्स फिर क्या कहेगी, ये स्टेटमेंट पूछा है। पहला लिखा है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज डन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। फिर लिखा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पाल्पेशन इज डन बाय स्टीयरिंग एट द सेंटर गोइंग टू द पेरिफेरी इन सर्कुलर मोशन। और फिर लिखा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बी डन इन आइदर सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन। और फिर लिखा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम एज 20। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि सारे ही क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और फर्दर टीचिंग वाला पॉइंट ही है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अब ये पूछ रहा है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैंसर का अर्लीस्ट डायग्नोसिस है, अब हेल्थ टीचिंग के रूप में आप ड्यूरिंग इवोल्यूशन जब आप इवोल्यूशन कर रहे हो ना तब उस समय आपकी फर्दर टीचिंग क्या होगी, फर्दर टीचिंग क्या होगी, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे महिलाओं को कि क्या करना चाहिए तुमको। अब देखो ड्यूरिंग इवोल्यूशन आपको क्या करना है, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप ये तो बात पहले ही बताओगे कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन करना है आपको और 20 साल से स्टार्ट होती है, ये भी पहले से ही पता होता है, ठीक है, तो ये दोनों ही बातें बाहर हो गई, ठीक है। फिर है सोपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं, ड्यूरिंग इवोल्यूशन नहीं बताना है उसको, ठीक है। ड्यूरिंग इवोल्यूशन तो ये बताना है आपको, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है कि आपको ड्यूरिंग इवोल्यूशन जब वो इवोल्यूशन कर रही है तब उसको सेंटर टू पेरिफेरी आपको सर्कुलर मोशन में उसका चेक करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि इस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट आपके सही है, ट्रू स्टेटमेंट है छोड़कर, या आपके ट्रू स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो, तो ये सारे ही ट्रू है, ध्यान रखना ये सारे इसके अंदर काम आते हैं। मेंस्ट्रुएशन के बाद में करते हैं और सर्कुलर मोशन में सेंटर टू पेरिफेरी करते हैं, सुपाइन स्टैंडिंग दोनों में कर सकते हैं और 20 साल की एज से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है फर्दर टीचिंग के रूप में आएगा। नेक्स्ट साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेप स्मियर टेस्ट जो किसके लिए करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, ये थोड़ा अलग है ना, ये ब्रेस्ट का नहीं है, ये अलग है, सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट है। ये सारे टेस्ट बता रहा हूँ मैं एक एक करके, और इसको अपन पेपनिकोलाउ टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, किसको अपन इसको पेप स्मियर टेस्ट को। और ये क्या है सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये किसका डायग्राम है, ये क्या चीज़ है, तो ये आईपीडी में काम आता है सबसे पहले बात तो ये, और इसका नाम है कस्को स्पेकुलम, और इसका जो काम होता है वो वेजाइना एंड सर्विक्स इसको क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये क्या है, कस्को स्पेकुलम है, और इसको अपन एक नाम और देते हैं सेल्फ रिटर्न, मतलब ये जहाँ पे अपन ने सेट कर दिया इस स्क्रू को अपन कसते हैं यहाँ पे पीछे से, इसलिए इसको कस्को बोलते हैं, और ये सेल्फ रिटर्न होता है, मतलब आपको कोई एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती, अगर इसको आपने कस के छोड़ दिया तो वो वहीं फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई आदमी पकड़े रहने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। लेकिन एक होता है आपके सामने सिम्स आता है, वो सिम्स इस प्रकार का होता है कुछ, ये सिम्स स्पेकुलम कुछ इस प्रकार से होता है, पर ये इसको क्या करते हैं, इसको ये रिटेन नहीं होता है, मतलब इसको पकड़े रहना पड़ता है, ये सेल्फ रिटेन होता है, सॉरी सेल्फ रिटेन ये नहीं होता है, मतलब इसको पकड़ने की आवश्यकता है, मतलब दो एग्जामिनर इसके अंदर चाहिए होते हैं। तो ये पेप स्मियर टेस्ट है, और पेप टेस्ट यूजुअली बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पर ही करना है आपको, ध्यान रखना है, कब करना है, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर ही करना है, 24 वीक की प्रेगनेंसी पर ये टेस्ट कंडक्ट करना है। और
रिकमेंडेड स्टारिंग अराउंड 21 से 65 साल की एज, और 21 से 65 साल की एज होती है जिसके अंदर अपन ये टेस्ट करते ही हैं। साइटोलॉजिकल टेस्ट है ये एक प्रकार का, इसके अंदर भी बायोप्सी ली जाती है, पैप स्मियर टेस्ट है। साइटोलॉजिकल टेस्ट जहीं भी जहाँ कहीं भी आए ना, तो उसको समझ लेना कि ये क्या है, एक प्रकार का कौन सा टेस्ट है, आपका बायोप्सी टेस्ट है। और फिर आता है ये कि 3 से 5 साल में आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है, इस टेस्ट को एवरी 3 से 5 साल में करना है आपको, किसको, पैप स्मियर टेस्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लेना, एक एक इसका चीज़ को लिख लेना। ये CHO 2025 का MCQ है, ये सारे के सारे एक MCQ आपका आएगा, CHO 2025 और NHM दोनों ही। इसके अंदर 4 MCQ है। पहला MCQ ये बन रहा है कि पैप स्मियर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है, और इसी लाइन में एक MCQ और बन रहा है कि पैप स्मियर टेस्ट का दूसरा नाम पैप निकोलाउ टेस्ट है, ठीक है। फिर MCQ बन रहा है कि आप ये कब परफॉर्म करोगे पैप स्मियर टेस्ट, तो ये 24 वीक की प्रेगनेंसी के गेस्टेशन एज पर, 24 वीक की प्रेगनेंसी के यहाँ पे गेस्टेशन एज पर आप स्टार्ट करोगे। और ये कब कर सकते हैं अपन, तो 21 से लेकर 65 साल की एज में कर सकते हैं, और एवरी 3 से 5 साल में आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 5 से 6 MCQ बन रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। ओके फाइन, नेक्स्ट ये कस्को स्पेकुलम है, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। अब अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी एंड जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये है सारे के सारे। अब ये होल ओवर कैंसर का यहाँ पे क्या अपन बता रहे हैं, मैनेजमेंट बता रहे हैं होल ओवर कैंसर का। पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पढ़ा, वो भी कैंसर के बाद ब्रेस्ट के कैंसर के लिए था, स्पेसिफिक था वो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक रूप में उसको बताया। और एक पैप स्मियर स्पेसिफिक पूछा जाता है बार बार, तो वो भी मैंने अच्छे से बताया। अब मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं, होल ओवर कैंसर का मैनेजमेंट 5 प्रकार से किया जाता है। पहला केमोथेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी की जाती है, और जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। अब ये सारी की सारी थेरेपी अपन यहाँ पे शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे, कोई डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि CHO का एग्जाम है, तो शॉर्ट रूप में अपन इसको लर्न करेंगे, जहाँ तक CHO में आता है वहाँ तक ही लर्न करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ पे मैनेजमेंट है कीमोथेरेपी, और कोशिश करूँगा कि आज फिनिश हो जाए ये मैनेजमेंट, अगर नहीं होगा तो वो कल भी अपन कैरी रखेंगे, ठीक है। पार्ट चल रहा है आगे से आगे, तो पार्ट का जरूर ध्यान रखें, पार्ट आज तीसरा पार्ट, ठीक है, ऑन्कोलॉजी का तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरी क्लास है ऑन्कोलॉजी की। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन करके सिस्टमेटिक आपको लिखते जाना है डेली का डेली, ताकि आपके अच्छे से और एक ताकतवर नोट्स बन जाएंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी, क्योंकि ये नोट्स जो है ना वो बनाए हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए, कोई मतलब बुक से आपने कॉपी नहीं की है, क्योंकि वहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर जो एग्ज़ाम में आने लायक है ना, वही चीज़ें आपने क्या किया, अपने क्रीम निकाल ली, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी बुक तो बहुत बड़ी है, और बुक में बहुत सारी चीज़ें आती है। पहला यहाँ पे लिखा है कि कीमोथेरेपी को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। अब देखो, नियोप्लास्टिक या नियोप्लाज्म जो अपन ने पढ़ा था ना, मतलब ये सेल नहीं बन रही थी, तो नियोप्लास्टिक एंटी का मतलब उसके अगेंस्ट, नई सेल को यह बनने नहीं देगा, ठीक है, ये कीमोथेरेपी ड्रग होती है, और इसको अपन शॉर्ट में कीमो भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसने लिखी है कि किल, एक तो ये मारती है और इनहिबिट करती है रिप्रोडक्शन ऑफ नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल को एक तो मारती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, और एक उसके रिप्रोडक्शन को बिल्कुल रोक देती है, बिल्कुल नहीं होने देती है, ठीक है। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये लिखी है कि पॉल इहर्लिच 1906 में ये फादर ऑफ कीमोथेरेपी है, इन्होंने ये कीमोथेरेपी का जनक बोला जाता है इनको, किनको, पॉल इहर्लिक 1906, ठीक है, इन्होंने कीमोथेरेपी की खोज की थी। और जोसेफ लिस्टर फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी के जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर, ये नाम आपके आ सकता है, ठीक है, ये नाम आपके CHO में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी कौन है। मॉडर्न कीमोथेरेपी, मॉडर्न का मतलब अभी आधुनिक ज़माने में कीमोथेरेपी के जनक कौन माने जाते हैं, तो जोसेफ लिस्टर, ये नाम आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट,
आल्सो नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, और इन्हीं को जोसेफ लिस्टर को ही अपन क्या बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर भी इसी को बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखना है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको क्या करना है, मुंह जबानी याद रखना है। ये मैं कर रहा हूँ, इसको सेट कर दिया मैंने फ्रेम में अच्छे से। एक तो था जोसेफ लिस्टर, फादर ऑफ मॉडर्न केमोथेरेपी, और दूसरा था आल्सो नोन एज एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर भी इसको बोले जाते हैं। डोजेज ऑफ केमोथेरेपी कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, और केमोथेरेपी ड्रग जो होती है उसका जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ही करते हैं, तो कितना यहाँ पे शरीर का जो पार्ट है या बॉडी का जो पार्ट है वो इंक्लूड है कैंसर के अंदर, कैंसर के अंदर आ रहा है, तो उसी हिसाब से इसका यहाँ पे क्या किया जाता है, डोज तय किया जाता है। और इसको यूज करते समय बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं, वो भी मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ग्लव्स वगैरह पीपी किट वगैरह पहन के ही ये काम करना है आपको, पूरा यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप केमोथेरेपी ड्रग देने जाते हो, अगर केमोथेरेपी ड्रग जो है वो फर्श पर गिर गई है तो हाथ से नहीं उठाना है, ठीक है, हाथ से नहीं उठाना है, और उसको भी एक रासायनिक पदार्थ होता है उसके द्वारा उसको क्लीन करना है, ठीक है, वो चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हाथ से उठाने लग जाओ उसको, और हर कहीं नहीं फेंकना है उसको, प्रॉपर उसका वे होता है उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में भी फैल जाती है बहुत सारी बार, और बहुत सारी बार ये अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो पूरा प्रिकॉशंस रख के ही आपको क्या करना है, केमोथेरेपी ड्रग देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट, सेल साइकिल मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, अब ये केमोथेरेपी के अंदर सेल साइकिल क्या काम आती है, तो देखना कि सेल साइकिल की जो बहुत सारी स्टेजेस होती है अलग अलग, तो वो कौन सी स्टेज पे जाके एक्ट करेगा, केमोथेरेपी ड्रग है वो कौन सी सेल पे जाके एक्ट करेगा, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इसीलिए अपन को सेल साइकिल पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट, सेल साइकिल के बारे में बताऊं तो जी जीरो फेज, पहली फेज आती है जी जीरो फेज, वो रेस्टिंग फेज होती है, बिल्कुल सेल रेस्ट फेज में होती है, उसको जी जीरो बोलते हैं। जी वन फेज, प्री सिंथेसिस फेज, रेडी टू रेप्लिकेट फेज, मतलब ये रेप्लिकेट होने के लिए रेडी होती है सेल, उसको जी वन फेज बोलते हैं। एस फेज सिंथेसिस फेज होती है, मतलब रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, सिंथेसिस होता है इसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेट फेज भी बोलते हैं इसको, ये रेप्लिकेट होने लग जाती है। और जी टू फेज, पहले जी वन थी अब जी टू, ये प्री माइटोटिक फेज होती है, प्री माइटोटिक का मतलब अभी स्प्रेड नहीं हुई है, स्प्रेडिंग होने से पहले की फेज है। अब एम फेज, यानी ये सेल डिविजन हो रहा है, मेटास्टेसिस हो रहा है प्रॉपर, ठीक है, इसको एम फेज बोलते हैं। तो ये सारी की सारी फेज है आपको याद करनी है, माइटोटिक फेज भी इसको बोलते हैं, ये सारी की सारी फेज है, इम्पोर्टेंट है, लिख लेना इसको अच्छे से। ये इस प्रकार से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले इसको, अलग अलग फेज है जी जीरो,
रेस्टिंग फेज होती है G1, ये रेप्लिकेट होने के लिए तैयार रहती है, जिसको अपन प्री सिंथेसिस बोलते हैं, और सिंथेसिस फेज को एस फेज बोलते हैं, जिसमें रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब स्प्रेड अभी तक भी नहीं हुआ है, लेकिन G2 फेज जो होती है ना, उसके अंदर प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, जिसे यानी माइटोटिक होने के लिए तैयार है, और एम फेज यानी माइटोटिक डिवीजन हो चुका है। और बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाते हैं, सर्कुलर मोशन में करके भी ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, इस प्रकार से भी लिखते हैं बहुत सारे, यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये अलग अलग तरीका है सबका। बढ़े आगे, नेक्स्ट केमोथेरेपी ड्रग के दो टाइप होते हैं, नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग, जिसके अंदर एल्कलाइटिंग एजेंट आता है, एंटी ट्यूमर या एंटी बायोटिक, इफेक्टिव एवरी फेज, ये सारी फेज पर इफेक्टिव होती है। मतलब ये क्या करेगी, सेल को यहाँ पे स्प्रेड होने से भी रोकेगी, सेल को बढ़ने से भी रोकेगी, और सेल का माइटोटिक डिवीजन या डीएनए बनने से भी रोकेगी, मतलब सब चीज़ में, हर एक चीज़ में उसको क्या कर देगी, ये केमोथेरेपी ड्रग रोक देगी। ये एल्कलाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, एंटी ट्यूमर या एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं। अब देखना, कीमोथेरेपी एक ड्रग ऐसी ड्रग होती है ना, क्योंकि इसके अंदर एंटी ट्यूमर भी लग रहा है, एंटीबायोटिक तो सेल साइकिल को रोकती है, लेकिन एंटी ट्यूमर ड्रग है ना जो, वो तो देखो एंटीबायोटिक तो क्या करती है कि एबनॉर्मल जो अपने पास में बैक्टीरिया वायरस है उनकी सेल साइकिल वगैरह को रोकेगी, लेकिन एंटी ट्यूमर, ट्यूमर के अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो सेल होती है ना, नॉर्मल उनकी ग्रोथ को भी रोक देती है, कहने का मतलब नुकसान करती है शरीर में, ठीक है, लेकिन लेनी भी ज़रूरी है, अगर कैंसर होता है तो लेते ही हैं बहुत सारे, ठीक है, और ये सारी फेज पर काम करती है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग, देखो एक तो नॉन स्पेसिफिक था, वो किसी साइकिल के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कौन सी स्टेज के लिए, कौन सी फेज के लिए मतलब स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन स्पेसिफिक की बात करूँ तो वो स्पेसिफिक है कि किसी किसी ना किसी फेज पर काम करेगी। अब यहाँ पे लिखा है एंटी मेटाबोलाइज एजेंट जो आता है वो एस फेज पर काम करता है, ये अफेक्ट करता है एस फेज को, एंटी मेटाबोलाइज ये एस फेज पर काम करेगा। नेक्स्ट लिखा है टोफो आइसोमिरेज, ये G1 और एस फेज पर काम करेगा, ठीक है, और माइटोटिक एक्सपेंडर ये अफेक्ट करेगा एम फेज को। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि मेरे को याद नहीं हो रही, कैसे याद करूँगा, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि नॉन स्पेसिफिक जो होता है वो सारी स्टेज पर काम करती है, लेकिन स्पेसिफिक होती है वो किसी न किसी स्पेसिफिक पर ही काम करेगी। तो आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि एंटी मेटाबोलाइज हुआ, टोफो आइसोमिरेज हुआ, और माइटोटिक स्पिंडल हुआ, ये किस ग्रुप के अंतर्गत आते थे, स्पेसिफिक सेल ग्रुप है, और एल्कलाइटिंग जो एजेंट होता है ना वो आपके एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक के अंदर एवरी फेज सारी फेज पर काम करता है, ये कीमोथेरेपी के दो मेजर टाइप है। लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं इसको, ओके फाइन। नेक्स्ट लिखा है एल्कलाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है या ब्रेक करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को, इट इज रिनल और ऑटोटॉक्सिक होता है, रिनल और ऑटोटॉक्सिक, रिनल के लिए टॉक्सिक हार्मफुल होता है, कुल मिला के किडनी के लिए हार्मफुल होता है, और सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक मेडिकेशन, नाइट्रोजन मस्टर्ड साइक्लोफोस्पामाइड जिसको अपन बोल सकते हैं, इफ प्रिस्क्राइब्ड ओरली इज एडमिनिस्टर विदाउट फूड, ये बिल्कुल खाली पेट देना है अपन को, विदाउट फूड, फूड के बिना अपन को क्या करना है, साइक्लोफोस्पामाइड देना है,
जो किसके अंदर आता है, एल्कलाइजिंग एजेंट के अंदर आता है। सेल साइकिल फेज ये नॉन स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर आप साइक्लोफोस्फामाइड यूज़ करते हो, और इसको कैसे देना है, ऑरली देना है बिना किसी मेल के, बिना खाने के पहले, मतलब खाने से पहले देना है। फिर लिखा है नोट, एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक इंक्रीज फ्लूड 2 to 3 liters पर डे ड्यूरिंग थेरेपी। जब भी थेरेपी लगती है तो फ्लूड के यहाँ पे इंटेक को बढ़ाना है आपको, 2 to 3 liters पर डे आपके फ्लूड को इंटेक को इंक्रीज करना है। और नेक्स्ट है अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीट हॉडगिंस डिजीज और रीड एंड स्टीनबर्ग सेल एंड नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा में रेंडम स्प्रेड। ये तो रीड स्टीनबर्ग सेल होती है जो हॉडगिंस डिजीज का ट्रीट करता है, लेकिन नॉन हॉडगिंस लिम्फोमा है वो रेंडमली स्प्रेड होता है। और हॉडगिंस जो है स्प्रेड होता है लिम्फ नोड 2, 3, 4, 5 स्टेप के अंदर, ठीक है। और नॉन हॉडगिंस जो होता है रेंडमली होता है, ठीक है, ये बता चुका। कॉजेज एलोपेशिया, मतलब हेयर लॉस होने लग जाते हैं, किससे, केमोथेरेपी ड्रग से, ठीक है। नेक्स्ट, गोनाडल सप्रेशन होने लग जाता है, हेमरेजिक कंडीशन, सिस्टाइटिस हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, ठीक है। तो हेमरेज वाली मतलब ब्लीडिंग वगी वाली फेज आपको देखने को मिल सकती है कीमोथेरेपी में, ये है। नेक्स्ट, सेल साइकिल स्पेसिफिक या एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन, मेथोट्रेक्सेट और 5-fluorouracil ये ड्रग आती है। फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, यह एंटी मेटाबोलाइज ड्रग भी इसके अंदर आ सकती है। अदर ये सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन है, ये स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक फेज पर काम करेगी, जिसके अंदर मेथोट्रेक्सेट हुई, जिसके अंदर 5-fluorouracil हुआ, ये एंटी फोलेट एंटागोनिस्ट हुआ, एंटी मेटाबोलाइज ड्रग हुआ ये। और अदर के अंदर आपके आते हैं थियोटोपा टू ट्रीट ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, और सिसप्लैटिन टू ट्रीट सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। और जैसे सार्कोमा और कार्सिनोमा, जैसे SCLC मतलब स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो 5-fluorouracil या दोनों ही स्पेसिफिक सेल साइकिल एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन होती है। और अदर के अंदर थियोटोपा ये ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करता है, और सिसप्लैटिन जो है वो सार्कोमा और कार्सिनोमा को, जिसमें स्मॉल सेल लंग कैंसर आता है, उसको ये क्या करता है, ट्रीट करने की कोशिश करता है, ठीक है, ट्रीट करता है। बड़े आगे नेक्स्ट, केमोथेरेपी कैन कॉज पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया क्या होता है, जिसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों की क्या पड़ जाती है, कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं पैनसाइटोपेनिया। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, पैनसाइटोपेनिया तीनों की कमी, और उसको बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। RBC WBC प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन रूट, लिखा है कीमोथेरेपी का, ठीक है, कीमोथेरेपी का रूट लिखा है IM रूट से कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं, तो 10 से 20 मिनट में देनी है आपको, और ये अप टू 3 ml, यानी 3 ml तक ही आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है, 3 ml देना है। और कितना टाइम तक देना है, 10 से 20 मिनट के अंदर आपको दे सकते हो, और IM रूट से ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है IV रूट, और IV रूट में आपको ध्यान रखना है, देखो IV रूट मोस्ट कॉमन रूट होता है, ये मोस्ट कॉमन किसका रूट है, कीमोथेरेपी का, IV यानी इंट्रावेनस रूट, ये 30 से 60 सेकंड के अंदर आपको देना है, और 1 से 60 ml तक आप दे सकते हो कीमोथेरेपी, कितनी दे सकते हो, 1 से 60 ml तक आप दे सकते हो इसको। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है आपको, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ओरली के रूप में पिल होती है, टेबलेट होता है, कैप्सूल होता है, और लिक्विड भी होता है, ये सारे यूज कर सकते हो आप कीमोथेरेपी के रूप में। नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस रूट है अगर आप दे रहे हो, तो आपको 15 से लेकर 30 मिनट का यहाँ पे क्या करना है, रखना है, गैप रखना है, कहने का मतलब, और देना कितना है, 0.5 से यानी आधे से 1 ml के बीच में, आधे से 1 ml के बीच में ही आपको लगाना है। नेक्स्ट है इंट्रावेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल, इंट्राथिकल इनटू द सब एरेग्नोइड स्पेस में देना है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है, तो वेंट्रिकल्स के बीच में, है ना।
इंट्राथिकल भी बोलते जिसे, इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे दे सकते हो, और इंट्रा पेरिटोनियल यानी पेरिटोनियम में डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी अगर कैंसर हुआ है तो वहाँ पे भी डाल सकते हो कीमोथेरेपी के रूप में, और इंट्रा आर्ट्रियल या आर्ट्री के अंदर दे सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे रूट होते हैं अलग अलग, स्पेसिफिक जो है ना रूट वो ये है आईवी और आईएम। आईवी को तो स्पेशल याद रखना ही है 30 से 60 सेकेंड और 1 से 60 ml, ठीक है। नेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, है ना, पहले ओके फाइन। नेक्स्ट साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट है एनीमिया, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट तो ये है एनीमिया। आरबीसी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी इसके अंदर, कीमोथेरेपी जब भी दे रहे हो आरबीसी कम हो जाएगी, एनीमिया होने लग जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम होगी और प्लेटलेट तीनों ही कम हो जाएगी, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया जिसको अपन बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया जिसको बोलते हैं अपन, डब्ल्यूबीसी कम होती है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट का कम होना, तीनों ही चीज़ें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है व्हेन यूज्ड बाय माउथ, अगर माउथ से आप यूज कर रहे हो, ओरली ले रहे हो, तो इचिंग एंड रैशेस हो सकते हैं। एंड व्हेन यूज्ड बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हो तो वोमिटिंग हो सकती है और किडनी प्रॉब्लम को आपको देखने को मिल सकती है जो इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं उनको। ये भी लिखने वाली बात है सारी की सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट, ये आप लिखे कृपया करके, है ना। यहाँ पे बहुत ही कम समय में आपका यहाँ पे कोर्स कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ लिखते जाना है, नहीं लिखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है, लिखना है साथ के साथ, डेली का डेली लिखना है, आज क्लास हुई तो आज का आज लिख देना है अपन को, क्योंकि फिर वापस दीपावली आ जाएगी और दीपावली पर 3 दिन क्लासें ऑफ रहेगी, वैसे 4 दिन 5 दिन के लिए सॉरी, तो वो ऑफ रहेगी तो उससे कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। इसीलिए आपको लिखना है, और पहले से भी बहुत सारी यहाँ पे क्लासेस हुई ही नहीं, पहले भी ये महीना ऐसे ही निकल गया, तो इसलिए अपन यहाँ पे नवंबर को टारगेट करके चल रहे हैं कि नवंबर के अंदर मेरे को कम से कम 20 क्लासेस लेनी है, 20 से 25 क्लासेस यहाँ पे नवंबर महीने में लेनी है, और 4 तारीख से मैं शुरू करूँगा वापस, क्योंकि 3 तारीख को भाई दूज है, भाई दूज के बाद में कोई त्यौहार नहीं है, फिर दीपावली का वो ख़त्म है दीपावली, तो फिर अपन 4 तारीख से वापस जुट जाएंगे क्लासों में, और अपना नवंबर पूरा ऐसे ही निकलने वाला है क्लासों के अंदर, तो 25 से 26 क्लासें मैं लेने वाला हूँ नवंबर में। और रही बात दिसंबर की, दिसंबर में डिस्टरबेंस होगा मेरे को पता है, इसलिए वहाँ पे भी 20 क्लासें कम से कम 20 क्लासें कंडक्ट करने की कोशिश करूँगा, और हुआ तो शाम सुबह हो जाएगी, वो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मैं चाहता हूँ कि 50 क्लासें कम से कम पहुँच जाए, 50 आपके सामने 50 घंटा का मैटर आपके सामने पहुंच जाए, ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर सको, और इन 50 घंटों के अंदर मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत सारा मैटर आपको दूं, ठीक है। तो इवन मेरी कोशिश ये भी है कि मैं पीडियाट्रिक नर्सिंग को पूरा कवर करने की कोशिश भी करूंगा, ऑन्कोलॉजी के जस्ट बाद में पीडियाट्रिक अपनी शुरू हो जाएगी, ओबीजी बीच में पड़ी है अपनी, ओबीजी के अंदर अपन ने फेटल सर्कुलेशन के वहाँ पर अपन ने छोड़ रखा है वो टॉपिक, वहाँ से आगे पढ़ना है अपन को, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, कैरी ऑन करेंगे, पर वो MCQ है, वो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका कोई यहाँ पे वो नहीं है। थ्योरी पहले देना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल थ्योरी भर भर के आ रही है, और थ्योरी नहीं देंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। बड़े आगे नेक्स्ट अपने पास में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कीमोथेरेपी ड्रग जब भी दे रहे हो ना आप, तब अपनी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना काम, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एग्ज़ाम में NHM के एग्ज़ाम में आ सकता है, CHO के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है आजकल, ठीक है, तो ये दोनों ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिनिस्टर टेस्ट डोज व्हेन ऑर्डर्ड बाय फिजिकली, आपको क्या करना है, पहला टेस्ट डोज देनी है, टेस्ट डोज अगर मान लो उसको कोई ऐसा साइड इफेक्ट वगैरह नहीं हुआ, फिर आपको पूरा का पूरा इंजेक्शन वगैरह दे देना है, पूरी डोज दे देनी है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि एडमिनिस्टर एंटी इमेटिक सेवरल हावर, कुछ घंटे के अंदर एंटी इमेटिक देना है बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ड्रग देने से पहले एंटी इमेटिक दे देना, ताकि अब क्योंकि अपन ने वोमिटिंग वाला भी पढ़ा है कि वोमिटिंग इसका साइड इफेक्ट है, तो हो सकती है तो एंटी इमेटिक पहले ही दें, और 12 से 48 घंटे बिकॉज एंटी न्योप्लास्टिक स्टिमुलेंट द वोमिटिंग सेंटर इन ब्रेन मेडुला ओब्लोंगेटा, क्योंकि ये एंटी न्योप्लास्टिक जो स्टिमुलेंट होते हैं वो सॉरी एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग जो होती है वो स्टिमुलेट करती है किसको, वोमिटिंग सेंटर को, वोमिटिंग सेंटर कहाँ है, ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोंगेटा है।
आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि वॉमिटिंग सेंटर कौन सा है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये क्या करना है, ये कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है वोमिटिंग को, इसलिए आपको एंटीबायोटिक देना है लगातार। नेक्स्ट ये लिखा है इन्होंने कि प्रमोट ए फ्लूड इंटेक। मैंने पहले बता दी ये चीज़ तो कि फ्लूड इंटेक को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ठीक है, और ये 2000 ml के आसपास में फ्लूड देना है पर डे, और मेंटेन करना है एडिक्वेट रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन को भी मतलब रीनल फंक्शन को एडिक्वेट मेंटेन आप कैसे करोगे, इनपुट आउटपुट आप मेज़र करते रहोगे। ठीक है, और उसके बाद में आप फ्लूड दे रहे हो वो अलग से है। ठीक है, बात समझ में आ रही। फ्लूड देने से इसका जो इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, वो कम हो जाएगा। इफेक्ट तो बढ़ेगा लेकिन साइड इफेक्ट इसका कम हो जाएगा कम से कम। ठीक है, और एंटीबायोटिक देना है आपको साथ में। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ ये सारी की सारी। नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एलोपिरिनोल इज प्रिस्क्राइब्ड। अगर एलोपिरिनोल जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की, ये भी एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक ड्रग है, ध्यान रखना, टू लोअर द सेक्रम यूरिक एसिड इंक्रीज, टू इंक्रीज दैट अकर फ्रॉम द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक मेडिकेशन। ये इसका ध्यान रखना है आपको। और गाउटी अर्थराइटिस, यूरिक एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है गाउटी अर्थराइटिस में, तो जॉइंट क्रिस्टल बन सकते हैं, वो इंक्रीज हो सकते हैं और सेल का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये एलोपिरिनोल का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, उसका ध्यान रखना है। मेडिकेशन आर हेल्ड, अगर मेडिकेशन आपको बंद कब करनी है, जब किसी पेशेंट का प्लेटलेट जो काउंट है वो 75,000 से कम हो जाए और WBC का जो काउंट है वो 4,000 से भी कम हो जाए। प्लेटलेट नॉर्मल कितनी होती है, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000, ये इसके बीच में प्लेटलेट नॉर्मल होती है। और WBC की बात करूँ तो 4,000, ये एडल्ट का बता रहा हूँ, 11,000 के बीच में ये WBC होती है, ये काउंट होता है नॉर्मल। लेकिन इससे कम हो रहा है तो आपको मेडिकेशन को बंद करना है। कौन से मेडिकेशन को बंद करना है, कीमोथेरेपी को, ये भी ध्यान रखना है। ये अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि सारे कम हो गए आपने रिपोर्ट देख ली फिर आप लोग मेडिसिन तो चल रही है फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। पहले मेडिकेशन को होल्ड करना है फिर जाना है डॉक्टर के पास में, फिर वो पूछेगा कि बंद क्यों की, तो आपको बताना है कि इस कारण से मैंने बंद की। तो ये दो कारण आपको ध्यान रखने हैं, WBC कम हो, प्लेटलेट कम हो, ये आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नर्सिंग की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी बेस्ड सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोटिफाई द फिजिशियन, और ये फिर आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नर्स की। ठीक है, नेक्स्ट कुछ MCQ मैंने पूछे हैं यहाँ पे कीमोथेरेपी ड्रग के ऊपर से, तो वो MCQ आपको सोल्व करना है कि अमोंग दिस विच ड्रग इज सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्योप्लास्टिक मेडिकेशन। सेल साइकिल स्पेसिफिक पूछा है। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट, थियोटोपा, साइक्लोफोस्फामाइड और सिसप्लेटिन। राइट आंसर सी है, मेथोट्रेक्सेट है, बाकी ये सारी नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल है, सिसप्लेटिन हुआ, साइक्लोफोस्फामाइड हुआ, थियोटोपा हुआ, लेकिन मेथोट्रेक्सेट जो है ना वो सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक मेडिकेशन है, जो अपन पढ़ चुके हैं इसको, मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, और मेथोट्रेक्सेट आपको पता है मोलर प्रेगनेंसी में भी यूज आती है। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी हुई, MTP किट के अंदर भी मेथोट्रेक्सेट देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी, क्योंकि ये क्या करती है, सेल को मारती है, किल करती है, मतलब अपना जो एम्ब्रियो है वो भी एक प्रकार की सेल होती है, उसको भी मारने का काम करता है, तो एबॉर्शन वाली केस में भी ये काम करती है मेथोट्रेक्सेट। तो बहुत यहाँ पे क्या है, घातक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट भी MCQ है, कीमोथेरेपी ड्रग, देखना MCQ क्या पूछा है कि कीमोथेरेपी इज वन ऑफ द थेरापूटिक मॉडलिटीज ऑफ कैंसर। दिस ट्रीटमेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पहला ऑप्शन है रिसेंट सर्जरी, फिर लिखा है प्रेगनेंसी, फिर लिखा है बोन मैरो डिप्रेशन, और फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबव। अब ये देखो, कीमोथेरेपी ड्रग जिसके अंदर मेथोट्रेक्सेट जैसी ड्रग आती है, जो एबॉर्शन में काम आती है, MTP किट में काम आती है, मतलब बच्चे को गिराने में काम आती है, बच्चे को ख़त्म करने में काम आती है, मतलब कीमोथेरेपी ड्रग कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा रही है, तो प्रेगनेंसी में अपन को नहीं लगाना है।
अगर रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी में वैसे ही उसके सेल टिश्यू डैमेज है, ये और सेल टिश्यू डैमेज करेगी, मतलब वो सर्जरी का काम आपको मतलब बहुत बड़ा कर सकती है और सर्जरी का काम सर्जरी जो है वो फेल कर सकती है। तो इसके सर्जरी में भी नहीं देना है। अगर दो ऑप्शन हट गए मतलब तीसरा भी हटेगा, मतलब इसमें भी नहीं देनी है, बोन मैरो डिप्रेशन में भी नहीं देनी है, ठीक है, और मतलब ऑल ऑफ द अबव राइट निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ में नहीं देनी है, तो रिसेंट सर्जरी में भी नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देनी है, और बोन मैरो डिप्रेशन में भी नहीं देनी है। तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट निकलेगा। इतनी सी बात समझ में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, लिखा है, क्या लिखा है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग साइक्लोफोस्फामाइड, ये नॉन स्पेसिफिक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। साइटोक्सिन सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रग शुड इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम इंजरी, मतलब आपको हैंडलिंग करनी है, सेफ हैंडलिंग कर रहे हो, ठीक है, सेफ आप दे रहे हो किसी नर्स को, तो यहाँ पे नर्स इंजरी से बचेगी, ठीक है। तो फिर ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाई नर्स शुड करेक्टेड, अब नर्स ऐसा क्या करेक्ट स्टेटमेंट करेगी उस समय, मतलब सेफ जो नर्स को बचा सके उस ड्रग के साइड इफेक्ट वगैरह से, ठीक है, तो उसके हार्म से बचा सके, ये पूछा है इन्होंने। तो ये आपके सामने है आंसर कि नर्स एक तो मास्क का और ग्लव्स का यूज करेगी। फिर लिखा है एयर बबल्स शुड बी एक्सपल्ड ऑन वेट कॉटन के द्वारा, उसको एयर बबल्स जो आ रहे हैं ना उसको वेट कॉटन सूखे को मतलब सॉरी गीले कॉटन के द्वारा उसको साफ कर देगी। फिर लिखा है लेबल द हैंगिंग आईवी बोतल विद एंटी नियोप्लास्टिक थेरेपी साइन, लेबल करेगी और वहाँ पे जो बोतल आईवी बोतल लग रही है उसको हैंगिंग है लटक रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगी, लेबल करेगी कि एंटी नियोप्लास्टिक थेरेपी साइन है, ठीक है। फिर लिखा है कि वेंट वाइल्स आफ्टर मिक्सिंग, वेंट करेगी वाइल को मिक्स करने के बाद में, तो क्या करेगी नर्स, तो नर्स को एक ही बात का मैंने पहले बताया, उसको प्रिकॉशंस पूरा रखना है, अगर इस ड्रग से बचना है, केमोथेरेपी एजेंट से बचना है, चाहे नॉन स्पेसिफिक हो चाहे स्पेसिफिक हो, तो देते समय आपको क्या करना है, मास्क और ग्लोव का यूज करना है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और कुछ भी सोचना समझने की बात यहाँ पे नहीं है, पूरा एमसीक्यू की रामायण ऐसे ही लिख रखी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू ओके, नोजिया एंड वोमिटिंग, अच्छे से पढ़ोगे एमसीक्यू को अच्छे से जवाब मिल जाएगा। नोजिया वोमिटिंग इज ए एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपेटिक ड्रग यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट केमोथेरेपी टू प्रिवेंट नोजिया वोमिटिंग, कौन से ड्रग है तो नोजिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है। अब आप सोच रहे होंगे ओंडासेट्रोन मिलेगा, आप सोच रहे होंगे लिवोसल्फ्यूराइड मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। पहला है मेटोक्लोप्रोमाइड, फिर है सक्सिनर सीमेट चीमेट सॉरी और एनास्टेरोजोल आर्मडेक्स हॉर्मोनल रेगुलेटर हॉर्मोन रेगुलेटर और बेसुल फैन यानी माइलेरान अल्कलाइजिक एजेंट होता है। अब देखो वोमिटिंग के लिए तो अपन को पता है एक तो ओंडेन काम आता है, एक लिवोसल्फ्यूराइड आता है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो इनको हटा दो। और अगर मेथोक्लोप्रोमाइड है एमसीपी भी आपके क्या करता है, रोकता है इसको वोमिटिंग को, ये अपन ने पढ़ा है शुरू से ही, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है, देखना भी पाप है, राइट आंसर यही होगा आपका, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है जो CHO में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट MCQ कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने है कि MCQ ने क्या पूछा है प्यारे दोस्तों कि एक क्लाइंट टेकिंग साइक्लोफोस्फामाइड, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक एजेंट है, साइटोक्सिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा का ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, नर्स वेरी क्वेश्चन इन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बिकॉज ड्रग पॉजेस द फैटल साइड इफेक्ट ऑफ, ये फेटल साइड इफेक्ट कर सकता है, एलोपेशिया कर सकता है, माइलोमा, CNS टॉक्सिसिटी या हेमरेजिक सिस्टाइटिस, तो ये कर सकता है आपके हेमरेजिक सिस्टाइटिस जो अपन ने पढ़ा था, ये ड्रग क्या कर सकती है, हेमरेज कर सकती है, ठीक है, हेमरेज कर सकती है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करती है, पोटेंशियली फेटल साइड इफेक्ट है, फेटल साइड इफेक्ट पूछा, ये सारे ही हो सकते हैं लेकिन फेटल साइड इफेक्ट जिससे डेथ हो जाती है, एलोपेशिया हेयर लॉस से डेथ नहीं होती है, हेयर लॉस से गंजे होता है बस आदमी, ये होता है साइड इफेक्ट, मैं यूँ कह रहा हूँ नहीं होता, केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे फेटल जो साइड इफेक्ट है मतलब जो आदमी की मृत्यु कर सकता है, डेथ के करीब ले जा सकता है, वो है आपका हेमरेजिक सिस्टाइटिस, आई बात समझ में, बढ़िया के नेक्स्ट। और माइलोमा जो है ना इज एन इंडिकेशन फॉर गिविंग दिस मेडिकेशन, और माइलोमा इंडिकेशन मतलब देता है मेडिकेशन के देने का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने, कीमोथेरापेटिक एजेंट हैव डिफरेंट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। कीमोथेरापेटिक जो एजेंट है वो एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है इसका। द फॉलोइंग मेडिकेशन आर एंटी न्यूरोप्लास्टिक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ठीक है। पहला है डॉक्सोरूबिसिन, एड्रियामाइसिन और 5-फ्लोरोयूरेसिल, एड्रियोसिल और मेथोट्रेक्सेट, मेट्रोट्रेक्सेट नहीं है वो, मेटोसेंट्रोन है और ब्लियोमाइसिन है। तो राइट आंसर बी होगा, 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-फ्लोरोयूरेसिल ये नहीं होगा, ठीक है। ये एंटीबायोटिक और एंटी न्योप्लास्टिक के अंदर नहीं आता है, दोनों ही प्रकार की मेडिकेशन नहीं होती, बाकी सारी होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है। देखो माइसिन और ये रूबिसिन और ट्रॉन, ये जो पीछे का वर्ड है ना उससे अपन पता लगा सकते हैं, बाकी ये जो है ना दूसरी, ये सिर्फ एंटी ट्यूमर हो सकती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़े आगे, ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट विनक्रिस्टिन या ऑनकोविन जिसको अपन बोल सकते हैं, हार्मोन मॉड्यूलर, एंटी न्यूरोप्लास्टिक एंटीबायोटिक, ठीक है, और एंटी माइटोटिक इनहिबिटर और एंटी मेटाबोलाइज। राइट आंसर सी, माइटोटिक इनहिबिटर। क्या होता है इसका आंसर, माइटोटिक इनहिबिटर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट विनक्रिस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट ये माइटोटिक इनहिबिटर होती है। नेक्स्ट अपने पास में आता है टॉपिक रेडिएशन थेरेपी, तो प्यार दोस्तों ये पढ़ेंगे अपन कल। तो प्यार दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी, अगर अच्छे लगी हो आज की हमारी ये जर्नी कीमोथेरेपी एजेंट के रूप में, आज अपन ने क्या क्या लर्न किया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप्समियर टेस्ट पढ़ा अपन ने, ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह। तो कीमोथेरेपी को आज अपन ने स्टार्ट किया, कीमोथेरेपी के दोनों टाइप पढ़े अपन ने, ठीक है, कीमोथेरेपी देते समय मतलब कौन कौन सी कीमोथेरेपी होती है, कौन कौन से रूट से लगती है वो पढ़ा अपन ने, कितने समय में देनी होती है वो पढ़ा अपन ने, उसके बाद में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी अपन ने, उसके बाद में बहुत सारे एमसीक्यू अपन ने सोल्व किए। तो ये आज का हमारा मैटर था, बहुत बड़ा मैटर था आज का, क्योंकि पिछले दो दिनों में जब अपन ने कीमोथेरेपी स्टार्ट किया था तब छोटी छोटी क्लासें आ रही थी, 40 मिनट इसके आसपास ही आ रही थी, लेकिन आज एक घंटे से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज अपन ने लर्न करने की पूरी कोशिश की है, अच्छे से यहाँ पर लर्न किया है और बड़ा मैटर निकाला है। इसी प्रकार से क्लास चलेगी अब, क्योंकि यह टाइम सेट करना था मेरे को एक घंटे का, कम से कम एक घंटे का मैटर तो देना ही है आपको, और ये एक घंटे का मैटर नहीं है, ये जो मैंने दिया ना इसको पढ़ाने में आपको कोई सा भी टीचर होगा कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगाएगा इस मैटर को पढ़ाने में, ऑफलाइन में, याद रखना ऑफलाइन में, ऑनलाइन की नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन में तो वो आधे घंटे में फिनिश कर सकता है, ऐसे कुछ बात नहीं, लेकिन ऑफलाइन का ये 2.5 घंटे का 3 घंटे का मैटर है। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है, नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।